لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفكه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته अल्लाह ताहहु से विसाल का और अल्लाह ताहनुहू से मुलाकात का एक ही रास्ता है मौत रूह निकलती है इस जिसमें खाकी से जस्दुरी से और सीधे आखिरत में चली जाती है अगर नेक की रूह है तो आला में पहुंचाई जाती है और अगर बद की रूह है तो सिज्जीन में पहुंचाई जाती है सिज्जीन में आजाब है और इल्लीन में सवाब है इसी वजह से हदीस शरीफ में मौत की दो तारीफें की गई हैं एक हदीस में इरशाद फरमाया आप सल्लाम ने अल मऊ तो फजाउन अकबरु मौत बहुत बड़ी घबराहट की चीज है और दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया तोहफतुल अल मौत मौत का तोहफा है तो ममिन के लिए अल्लाह ताला नहू पर ईमान लाने वाले के लिए अल्लाह ताला ताहू के साथ ताल्लुक रखने वाले के लिए अल्लाह ताला नहु की मर्जियात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले के लिए मौत तोहफा है और जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता अल्लाह की नाफरमानी करता है अल्लाह की बातों का इनकार करता है अल्लाह वजल की मर्जी पर नहीं चलता उसके लिए मौत फजाई अकबर है बहुत बड़ी घबराहट की चीज हमारे यहां आपस में अव्वल तो ये कि मौत का तजकरा ही बहुत कम होता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है कि मौत को बहुत ज्यादा याद करो अक्सरू जिक्र हादिल लज्जात लज्जतों को तोड़ने वाली चीज का जिक्र ज्यादा करो बार बार करो लज्जतों को तोड़ने वाली चीज को खूब याद करो बार बार याद करो बहुत ज्यादा याद करो और लज्जतों को तोड़ने वाली चीज क्या है मौत 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 लज्जतों को तोड़ने वाली चीज है और जब मौत लज्जतों को तोड़ने वाली चीज है तो जो मौत को कसरत से याद करता है वो नाजायज लज्जतों से महफूज हो जाता है इसलिए आपस में मौत का तस्करा करना चाहिए मौत पर लिखी हुई मोतबर किताबों को पढ़ना चाहिए मौत के तस्करों को सुनना चाहिए और मौत को याद दिलाने वाली जगहों पर जाना चाहिए जनाजों में शिरकत करनी चाहिए कब्रस्तान में जाना चाहिए मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे जाना चाहिए कब्रस्तान में और कब्रस्तान में जाकर चक्कर लगाना चाहिए कुछ पढ़कर इसाले सवाब भी करना चाहिए ताकि उनको नफा हो और उनकी हालत को देखकर इबरत पकड़नी चाहिए ताकि हमें नफा हो देखना चाहिए कि कैसी शान वाले खाक में मिल गए मिले खाक में अहले शाह कई से कई से मक्की हो गए ला मका कैसे कैसे मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे कैसी कैसी शान वाले खाक में मिल गए शान वाले तो कुर्सियों पर बैठते हैं शान वाले तख्त पर बैठते हैं शान वाले गद्दों पर बैठते हैं खाक में मिल गए मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे कैसी कैसी शान वाले खाक में मिल गए मकी हो गए ला मका कहीं से कही से मकी जो मकानों वाले थे वो बेमकान हो गए ऊंची ऊंची कोठियों वाले बड़े बड़े बंगलों वाले बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले बड़े बड़े कारखानों वाले बड़ी बड़ी दुकानों वाले लामका हो गए वही छे गज जमीन वो छह फुट की जमीन मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे से मकी हो गए ला मका कैसे से हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे हुए नामवर नाम नाम वाले, वाले मशहूर लोग कैसे बेनिशा हो गए उन्हें कब्र में दफन किया जाता है कोई जानता नहीं जानता नहीं उनकी कब्र पर कोई आने वाला नहीं उनके लिए कोई एक मर्तबा सूर्य इखलास पढ़कर सवाब पहुंचाने वाला नहीं बहुत से तो ऐसे होते हैं कि उनकी कब्र तलाश करने से नहीं मिलती हुए नाम बेनिशा कैसे कैसे तो जाना चाहिए कब्रस्तान में और कब्रस्तान में जाना चाहिए पढ़कर इसाले सवाब करना चाहिए अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर जाना चाहिए अपने मुतल की कब्रों पर जाना चाहिए हम नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा मैं मेरे वालिद की कब्र पर नहीं जाऊंगा तो किसी और से मैं क्यों रखूं कि कोई और जाएगा तो मरहूमिन को कब्रस्तान से बाहर भी याद करना चाहिए और कब्र कब्रस्तान में जाकर भी याद करना चाहिए यूं भी उनके लिए ईशाले सवाब करना चाहिए कुछ पढ़कर कुछ करके खैरात करके और उन्हें याद करके वहां जाना चाहिए कब्रस्तान में और उनके कब्रों पर खड़े होकर कुछ पढ़कर ईसारे सवाब करना चाहिए और बहुत से ऐसे होंगे कब्रस्तान में जिनका कोई पुरुषाने हाल नहीं होगा तो चक्कर लगाना चाहिए कब्रिस्तान ताकि उन्हें भी नफा पहुंचे और इबरत की निगाह से देखना चाहिए ताकि हमें भी नफा पहुंचे सोचना चाहिए मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे वो जो तकबर से जिंदगी गुजारते थे अकड़ के साथ रहते थे किसी को खातिर में नहीं लाते थे अपनी उन्होंने एक शान बना रखी थी अपना एक प्रोटोकॉल था आज कहां है वो सब मिले खाक में हेले शाह कैसे कैसे मकी हो गए ला मका कैसे कैसे हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे जमी खा गई आसमा कैसे 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 लोग दुनिया में आए और फिर और नमरुदीयत वाली जिंदगी उन्होंने गुजारी और अपने आप को आसमान समझते थे कि मैं इतना बड़ा कि मुझे कोई छू नहीं सकता कौन है जो मुझे हाथ लगाए ये आसमान से ये मुराद है इतने ऊंचे थे बजाम खुद अना रब को मोला आला फिर कहता था अना रब को मोला आला मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं कौम आद ने यह कहा था कि मन अशद्ध मिन नाकुवा हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है कौन है जो हमें हाथ लगा सकता है आसमान बने हुए थे आसमान कि जो थूकता है आसमान पर उसी के ऊपर आता है ठीक तो है हमें हमारी तरफ जो बुरी निगाह उठाता है नुकसान उसी का होता है कौन है जो हमें नुकसान पहुंचा सके हुए नामवर उर बेनिशा कैसे कैसे जमी खा गई आसमा कैसे 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 बड़े लोगों को जमीन खा गई तो अव्वल तो यह है कि हमारे माहौल में मौत का तस्करा ही नहीं होता तस्करा बिल्कुल नहीं होता मौत का और अगर मौत का तस्करा होता है तो एक ही पहलू डरावनी चीज इसलिए मरने का किसी को शौक पैदा नहीं होता अपनी महबूबा से मुलाकात हो जाए उसका हर एक को शौक है वो यहां है बीवी इंडिया में है जाने का शौक होता है कि कब मैं इंडिया जाऊं ताकि बीवी से मुलाकात हो मैं क्यों नहीं जाता इसलिए कि इमिग्रेशन का कुछ प्रॉब्लम है हुकूमत के साथ कुछ प्रॉब्लम है इसलिए यहां आ गए हैं रेफ्यूजी बन गए हैं असाइलम ले लिया है तो खौफ भी है मगर उस खौफ के साथ बीवी बच्चे वहां है उनको मिलने का शौक भी है खौफ और शौक दोनों तो ठीक है अजाब कब्र भी है और मलकुल मौत को देखना भी है रूह पता नहीं कितनी शिद्दत के साथ निकाली जाएगी ये खौफ मगर साथ में अल्लाह को मिलने का शौक भी तो होना चाहिए हमारे एक मुहिब है बहुत पुराने लेस्टर के इब्राहिम बाई आजकल हॉस्पिटल में हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफा फरमाए तो मैं उनकी इयादत के लिए गया गुजश्ता हफ्ते और थोड़ी देर उनके पास बैठा आध घंटा तकरीबन और इयादत से जब वापस आए आ रहे थे तो मैंने हमारे अहमद अली भाई से कहा कि ऐसा शख्स बीमार हो जाए या मर जाए फिक्र की कोई बात नहीं कहा ऐसा शख्स बीमार हो जावे या मर जावे, फिकर की कोई बात नहीं बड़ी बीमारी जानलेवा बीमारी मगर खुश चेहरे के ऊपर कोई टेंशन नहीं और आध घंटे में एक मरहले के लिए हमें ऐसा एहसास नहीं हुआ कि इन्हें तसल्ली के दो अल्फाज कहने चाहिए कोई तसल्ली की जरूरत ही नहीं इसलिए कि उनका जहन ऐसा बना हुआ था वो कहने लगे के अब जाना तो है ही एक दिन रोते रोते आए थे हंसते हंसते चले जाएंगे जो मौत के मुंह में हो दुनिया से रुखसत होने वाला शख्स जान लेवा बीमारी और ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से उनकी मुस्कुराहट की जो आदत है हंसमुख चेहरा उसी अंदाज में हंसते हंसते कई दिनों से खाना नहीं खाया जा रहा है दुबले पतले हो गए हैं तो कहना जाना तो ही रोते हुए आए थे हंसते हंसते चले जा जाएंगे क्या मौत तो में बिल्कुल नहीं डरता इतनी मौत तो में बिल्कुल नहीं डरता वहां तो जाना ही जाना है मैं क्यों डरूं मैंने किसी का पैसा खाया है मैंने किसी को धोखा दिया है मैंने पूरी कोशिश की कि इस तरह की जिंदगी गुजारूं कि मुझसे किसी को तकलीफ न पहुंचे मैं किसी का माल ना खाऊं सब्र शुक्र के साथ मैं क्यों डरू देखो ये तो मौत का वो पहलू भी होना चाहिए डर का मगर ऐसे डर का पहलू नहीं होना चाहिए कि मौत के बारे में कभी ये ख्याल ही ना आए कि किस दिन हम जाएंगे कि अल्लाह से हमारी मुलाकात होगी भाई ये खौफ का पहलू हो कि जाना तो चाहता हूं मगर डर लगता है इसलिए कि आमाल ऐसे नहीं है ये तो ठीक है जाना चाहता हूं अल्लाह से मिलना चाहता हूं मगर डर लगता है इसलिए कि जाने के लिए कुछ तैयारी नहीं है तो कहीं पिटाई ना हो जाए ये ये, ये हो दूसरा ये ख्याल आए के अगर ये पिटाई विटाई का मसला न होता तो मैं तो इसी वक्त चला जाता यानी शौक ये नहीं कि दुनिया में दिल अटका हुआ है एक तो है कि जाने में कोई दुश्वारी नहीं मगर डर ये लगता है कि पिटाई होगी बदअमली है और दूसरा यह है कि दिल ही यहां लगा हुआ है फ़रीदुद्दीन अत्तार बारी अवलिया में से गुजरे हैं और अतार जो है वो उस जमाने में उनकी दुकान होती थी जिसमें जड़ी बूटी बेचते थे वो छोटी छोटी बोतलों के अंदर वो जड़ी बूटी रखी हुई होती थी तरुह गिल شبابها वल अतारुमा अफसद एक औरत जब बहुत बूढ़ी हो गई तो कहते हैं कि वो अतार की दुकान की तरफ जाने लगी तो किसी ने पूछा कि कहाँ जा रही है बुढ़िया तो कहने लगी कि अतार की दुकान में तो अतार की दुकान तो अतार का मतलब ये कि वो जड़ी बूटी वाले की दुकान में जा रही हूं क्यों तो कि बूढ़ी हो गई हूं तो वहां जाकर के कोई ऐसी दवा तलाश करूं जिससे ई तबा बउद जिससे दोबारा जवानी लौट आई तो पूछने वाले ने कहा कि तरू हो लल अतारे तबी शबाब ये अत्तार की दुकान की तरफ जा रही है अपनी जवानी की तलाश में मगर ये बिचारी जानती नहीं कि वन युस अतारो मा अफसद मुरूर अम ने जिसम की जिस हालत को बिगाड़ दी है उस हालत को अत्तार हरगिस दुरुस्त नहीं कर सकता रात और दिन का जो गुजरना है यही तो हमें बर्बाद कर देता है एक दिन गुजरा तो और बूढ़े हो गए एक दिन और गुजरा तो और बूढ़े हो गए भाई ये दिन का गुजरना हमें बचपन से निकाल देता है फिर ये हमें जवानी से निकाल देता है ये दिन का गुजरना ही तो हमारी हमारे बचपने को खत्म करता है यही हमारी जवानी को खत्म करता है और यही हमारे बुढ़ापे को खत्म करेगा यसुरमर अमा जहबल्लि ये दिन और रात जो है यही हमारी जिंदगी को खा रहे हैं और इन्हीं रातों और दिनों का गुजरना हमें खुश करता है बहुत सी अवकात हम चाहते हैं बहुत सी मरतबा कि ये दिन जल्दी जल्दी गुजर जाए अरे भाई ये अगर दिन गुजर गए तो तू तो बूढ़ा होता जा रहा है ये दिन तेरे हाथ से अगर तू बचपन में है तो बचपन को छीन रहे हैं और ये दिन तेरी जवानी को छीन रहे हैं मगर जल्दी जल्दी वक्त गुजर जाए तो मेरे ये छह साल की तालीम से मैं फारिक हो जाऊं तो खुश होता है कि एक और दिन खत्म हो गया हमारे मदरसे का एक और महीना खत्म हो गया एक और साल खत्म हो गया सिर्फ पांच साल बाकी रहते हैं ये दिनों का और रातों का गुजरना खुश करता है आदमी को सिर्फ तीस दिन रह गए फिर मेरी मेरे, मेरे मां बाप से मुलाकात होगी अब ये दिन गिनता है और दिनों के जाने पर खुश होता है इसे ये पता नहीं कि ये खुश होने की चीज नहीं ये जो दिन तेरे जा रहे हैं तो तेरी जिंदगी जा रही है जिस तरह मां बाप की मुलाकात पर मसरत जो हो रही है मिली जुली कैफियत होनी चाहिए थी कि मैं मां बाप को मिलना तो चाहता हूं मगर काश के मां मा बाप से मुलाकात भी हो जाती और ये ये दिन भी न जाते ये मिली जुली कैफियत होनी चाहिए थी जैसे एक शख्स मां बाप को मिलने के लिए जाता है और 500-700 पाउंड की टिकट पर खर्च करता है और वो इतना मालदार नहीं होता तो उसे मां बाप को मिलने की खुशी भी होती है 700 पाउंड के खर्च होने की गमी भी होती है तो गमी भी होनी चाहिए ठीक है ये कोर्स तो हमारा खत्म हो रहा है मदरसे से, से, यूनिवर्सिटी से हमें नजात मिल रही है मगर जिंदगी भी तो जा रही है इंसान को खुश करता है और ये तो वो लोग जो किसी वजह से दिनों के गुजरने पर खुश होते हैं दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे है हैं कि बजह ही, ही के खुश होते हैं बगैर वजह के कोई वजह नहीं भाई खुशी मना रहे हैं क्यों गुजता साल हम छब्बीस साल के थे अब एक साल गुजर गया तो हम सत्ताईस साल के हो गए ये तो बगैर वजह के वो तो इसलिए खुश हो रहा है कि एक दिन खत्म हो गया तो अब सिर्फ उनतीस दिन रह गए फिर मां से मुलाकात होगी अब सिर्फ अट्ठाईस दिन रह गए एक वजह से खुश हो रहा है और बर्थडे पार्टी मनाने वाले तो बगैर वजह के उन्हें तो कुछ पता ही नहीं कि किस बात पर ये खुश हो रहे हैं यसुरमर अमाजहबाली ये रातों और दिनों का गुजरना इंसान को खुश करता है बोला किहा लहू जहाबा लेकिन ये समझता नहीं कि इन दिनों का चला जाना ये तेरा दुनिया से चला जाना है तो ये दिन ये रातें यही तो हमारा नाश करती हैं यही तो हमारी जिंदगी को बर्बाद और खत्म करते हैं मगर ये दिन और रातें यही अल्लाह की तरफ से नमत भी है इसलिए कि दिन और रात अगर हमें न मिलते तो हम अल्लाह को राजी करने के लिए कुछ न कर सकते तो ये दिन जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं और ये रातें जो हमारे पीछे पड़ी हुई हैं ये हमें छोड़ नहीं रहे हैं हमें भी इनके पीछे पड़ जाना चाहिए यह हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि हम इन्हें इनकी जिंदगी खत्म करें हमें इनके पीछे पड़े रहना चाहिए कि हम तुम्हें खत्म नहीं होने देंगे हम तुम्हारा इस्तेमाल ऐसा करेंगे कि दुनियावी एतबार से तो तुम खत्म हो जाओगे मगर तुमको ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि आखिरत में तुम्हारा कभी भी खातिमा नहीं होगा तुमको ऐसा इस्तेमाल करके हम अच्छे अच्छे अमाल को इन्वेस्ट कर देंगे आखिरत में कि दुनिया में तो तुम खुद भी खत्म हो जाओगे हमें भी खत्म कर दोगे मगर आखिरत में कभी खत्म मगर गफलत में पड़े हुए हैं गफलत में पड़े हुए हैं हमारी जिंदगी की मिसाल जो है एक बुजुर्ग ने बहुत अच्छे अंदाज में समझाई है कि एक शख्स जो है वो जा रहा था जंगल में दाएं बाएं आगे पीछे फूलों को देख रहा है दरख्तों को देख रहा है पत्तों को देख रहा है सब्जी को देख रहा है बहुत मजे से जा रहा है महव है दुनिया में अब इसे ना मौत याद आ रही है ना आखिरत याद आ रही है ना जिंदगी का मकसद याद आ रहा है कि अचानक उसने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई चीज चल रही है यूं मुड़ के उसने पीछे देखा पीछे देखा तो उसे शेर आता हुआ नजर आया शेर अब शेर को देखते ही फूल भी रुक ल भी रुख सत पत्ते भी रुख सत ये जो हसीन मनाजिर जिनसे लुत्फ अंदोज हो रहा था सब कुछ रुख सत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की ताक़ीद फरमाई है कि इनत दुनिया खुलवतन खदे रतुन ये दुनिया मीठी और सरसब्जो शादाब है बहुत खुशनुमा है जहां नजर पड़ती है हसीन जहां नजर पड़ती है हसीन ये तुम्हें मौत से गाफिल कर देगी ये दुनिया ये दुनिया तुम्हें मकसद से गाफिल कर देगी मकसद से गाफिल कर देगी भाई मकसद से गाफिल कर देगी तो हम क्या करें यह मीठी भी बहुत है और खूबसूरत भी बहुत है बरतने में भी बहुत मजा आता है और सिर्फ देखने में भी बहुत मजा आता है हमारे ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे जो बिचारे अपनी फीस नहीं दे सकते अपनी फीस वो भी अपने बेडरूम में फरारी गाड़ी का पोस्टर लगा करके लुत्फ अंदोज होते रहते हैं इसमें भी मजा आता है सिर्फ फोटो को देखने से कभी इनके बेडरूम में चले जाओ तो दो तीन उम्दा गाड़ियों का फोटो तो होता ही है गाड़ी में चाहे फिर जिंदगी भर कोई सस्ती गाड़ी भी ना मिले देख रहे हैं तो ये बच्चा जो फोटो के अंदर फेरारी गाड़ी को देख करके इतना लुत्फ हो रहा है वो शोरूम के पास से गुजरेगा तो उसकी क्या हालत हो जाएगी इन्नत दुनिया हुलवतुन खदे रतुन और फिर उससे भी आगे कि अगर इसे गाड़ी के अंदर बिठा ही दिया जाए कि भाई ड्राइव कर इसे अब बरत रहा है तो फुल हुआ तुम पहले देखने में बहुत अच्छी लगती थी अब मीठी और उसे अगर यह कह दिया जाए कि यह तुम्हें दे दी तुम्हारी दुनिया की हर चीज का हाल है मेरे पास बेहतर से बेहतर दस स्वेटर होंगे मगर किसी ग्यारहवें ऐसे स्वेटर के ऊपर नजर पड़ी जो मेरे पास नहीं है और मेरे दस स्वेटर से भी कम दर्जे का है मगर नजर को खींच लेता है वो स्वेटर मुझे तो एक ही फ्रेम पहननी है चश्मे की मगर जहां नजर पड़ती है और इससे अगर उम्दा कोई फ्रेम नजर आए तो वो खींच लेती है अपनी आजकल जो माली एतबार से हम सब परेशान हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पुराने जमाने में लोग अपने जहन में शॉपिंग लिस्ट लेकर के जाते थे कि मुझे 25 पैसे का तेल लेना है और 50 पैसे की दाल लेनी है और 50 पैसे के चावल लेने हैं और खत्म वो इधर उधर यूं दुकान में देखते नहीं थे शॉपिंग के लिए किया गया है तो दो रुपये का बजट होता था दो रुपये की लिस्ट होती थी जाते थे खरीद कर ले आते थे मजे की जिंदगी गुजारते थे वो गुर्बत के बावजूद भी बैठकर कभी यह बात नहीं करते थे कि बहुत टाइट सिचुएशन है और बहुत ज्यादा पैसे होने के बावजूद भी आज हम में से हर शख्स ये शिकायत करता है कि टाइट सिचुएशन है क्यों इसलिए कि सेंस बरीज में जाते हैं पांच पाउंड की चीज लेने के लिए मगर जब टील पर पहुंचते हैं तो खरीदी हुई है पचास पाउंड की चीजें ये जो पैंतालीस पाउंड की चीजें खरीदी है उसकी जरूरत नहीं थी बस ये दुनिया ने खींच लिया कि मैं भी बहुत अच्छी हूं मैं भी बहुत अच्छी हूं मैं भी हर चीज कर मैं भी बहुत अच्छी हूं मैं औरतों से कहता हूं कि बाई वन गेट वन फ्री दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ होगा कि जिसने कमाने के लिए दुकान बनाई है और आपको मुफ्त में कोई चीज दे एक पाउंड में बाय वन गेट वन फ्री भाई वो दोनों पचास पचास पेनी की है वो एक पाउंड की आपको कोई मुफ्त में नहीं दे रहा है दोनों की कीमत फिफ्टी फिफ्टी पेन है तो आपको एक पाउंड में दो चीज दे जा एक पाउंड की चीज एक खर्च करके ली और एक ऐसा नहीं है अब वो शोहर कहता है कि इसकी तो जरूरत है बहुत सस्तु बाय वन गेट वन फ्री तो आठ दस नुस्खे ले लेते हैं तो मैं कहता हूं कि भाई हमें तो एक की भी जरूरत नहीं है अगर ये बाय वन गेट टेन फ्री भी होता तो हमें तो एक की भी जरूरत नहीं है तो इसको लेकर ले करेंगे कि हम एक पाउंड हमारा जाए हो रहा है पैसे हमारे बर्बाद हो रहे हैं ये जो दुनिया हमें लूटने के लिए बैठी हुई है इनके दाव में हम आ जाते हैं हम इनके दाव में आ जाते हैं इनके हाथों में आ जाते हैं तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये दुनिया बहुत अट्रैक्टिव ये दुनिया इतनी अट्रैक्टिव कि अल्लाह से जन्नत से आखिरत से हमें गाफिल रखती है जैसे वो शख्स गाफिल था पुरू दुनिया में मस्त तो ये दुनिया कौन सी थी जिसे जिसमें वो मस्त था हलवा नहीं थी अभी इन दुनिया खद सिर्फ देखने में मस्त था अभी तो उसने चखा नहीं था देखने में मस्त तो अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया ऐसी है कि तुम चाहे इसे मुंह में मत रखो ना रखो सिर्फ देखने ही से तुम्हें आखिरत से अल्लाह से जन्नत से गाफिल कर देती है और एक ही तरीका है इस गफलत के पर्दे को चाक करने का वो है मौत को याद करो मौत को याद करो मलुकुल मौत को याद करो अब ये पीछे शेर नजर आया शेर तो शेर को देखते ही क्या याद आ गया मौत अब मौत याद आ गई अब आगे पीछे दहें बाहें जो मजे की चीजें थी, थी उसमें से एक भी याद नहीं रही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हकीमों के हकीम थे हकीमों के हकीम कैसे कैसे नुस्खे बताए हैं अक्सर जिक्रहा अल मौत अच्छा देखा कि पीछे तो शेर आ रहा है अभी तो दुनिया को चखा भी नहीं था फ्रूट किसी चीज को मुंह में लिया भी नहीं था देखने में ऐसा मस्त हो गया कि भूल गया आखिरत को जन्नत को तो ये गफलत के पर्दे चाक कर दिए किसने मौत की याद है? अब इसने देखा कि शेर है तो इसने सीधा चलना शुरू किया अब पूरी तवज्जो पीछे और आगे और फितरी तकाजा था कि उसकी चाल में तेजी आने लगी तो पीछे शेर की चाल में भी तेजी आने लगी तेजी आते आते ये दौड़ने लगा तो शेर भी पीछे दौड़ने लगा समझाने के लिए एक बात बताई है और ये मिसाल उस शख्स की नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं हम में से हर एक की है दौड़ते 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 देखा कि अब शेर मेरे ऊपर हमला अवर हो जाएगा कि उसका नसीबा चमका कि उसे कुआं नजर आ गया सामने तो उसके दिल में यह ख्याल आया कि मैं कुएं में अगर कूद जाऊं तो फौरी तौर तो पर शेर के हमले से तो महफूज हो जाऊंगा अंदर अगर पानी है और मैं कूद जाऊं छलांग मारूं तो मौत ये शेर से तो बच जाऊंगा तो शेर से जो इस वक्त मौत यकीनी है उससे हिफाजत हो जाएगी और कुएं में छलांग लगाने के बाद मौत यकीनी नहीं मबहूम हो जाएगी पॉसिबल हो जाएगी कि पॉसिबल है कि यहां से कोई न गुजरे तो मैं मर जाऊं और यह भी हो सकता है कि यहां से कोई गुजरे मुझे निकालने में बच जाऊं शेर तो एक घंटे डेढ़ घंटे के बाद थककर चला जाएगा इसने कुएं की मुंडेर के ऊपर चढ़कर अंदर छलांग लगाने का इरादा अभी किया ही था कि अंदर उसे एक बहुत बड़ा अजगर नजर आया जो अपने मुंह को खोले हुए बैठा हुआ है बहुत बड़ा पाइथन अब पीछे देखता है तो शेर करीब आ रहा है नीचे देखता है तो अजगर इधर भी मौत उधर भी मौत अब क्या करे तो उसकी नजर एक टहनी पर पड़ गई जो कुएं में लटक रही थी तो फौरन उसने टहनी को पकड़ा और टहनी को पकड़ के कुएं में लटक गया कुएं में लटक गया और उसके दिल में यह ख्याल आया कि जब तक ये अजदहा ऊपर मुझ तक पहुंचेगा उस वक्त तक मैं अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो शेर भाग जाएगा और मैं टहली पर से चढ़ करके फिर बाहर निकल आऊंगा अब वो अजदहा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा है शेर जो है वो बाहर खड़ा है देख रहा है और ये इतमान से बैठा हुआ है कि भाई ठीक है मेरा अगर जो लक हुआ और मेरा मुकद्दर अच्छा हुआ तो इस अजदहे के ऊपर चढ़ने से पहले पहले शेर भाग जाएगा बस ये अब खड़ा है और इसी हालत में कि उसकी नजर पड़ गई कि वो जो टहनी और वो ब्रांच जिसे वो पकड़ के बैठा हुआ है उसे दो चूहे काट रहे हैं दो चूहे काट रहे हैं एक सुफेद चूहा और एक सियाह चूहा दोनों काट रहे हैं उसे। फिक्र में पड़ गया कि शेर अगर जल्दी नहीं गया ये ये दोनों मेरा नाश कर देंगे और जैसे ही ये कटी टहनी कमजोर हुई मैं गिर करके सीधा असदही के मुंह में चला जाऊंगा अभी इस फिक्र में था कि अचानक उसने महसूस किया चेहरे के ऊपर कुछ कतरे गिरने शुरू हुई तो ऐसा देखने लगा कि ये क्या गिर रहा है बारिश का मौसम तो है नहीं तो एक कतरा उसके मुंह में गिर गया वो चूहों के ऊपर शहद मक्खियों का एक छत्ता था उसमें से शहद गिरने लगा अब जब दुनिया को देख कर के आखिरत से गफलत में पड़ चुका था मौत से गफलत में पड़ चुका था तो जब दुनिया को चखेगा तो क्या होगा मुंह में शहद इतना मीठा तो उसने कोशिश की कि दूसरा और एक कतरा गिर जाए तीसरा और गिर जावे चौथा और गिर जावे अब पूरी तवज्जो हो गई शहद में हमारी भी मेरे भाई पूरी तवज्जो किस में है घर की मिठास में कमाने की पाउंड की मिठास में सोने की मिठास में मनसब के मिठास में गाड़ी की मिठास में अब ये इस मिठास में माह हो गया अब जहन उसका शेर से भी हट गया असदहे से भी हट गया चूहों से भी हट गया गफलत पूरी और यह गफलत ऐसी तारी हुई कि थोड़ी ही देर में वो टहनी कटी और यह सीधा असदही के मुंह में चला गया पीछे जो आ रहा था शेर यह मलकुल मौत है और मलकुल मौत की जिम्मेदारी यह है कि वो हमें कब्र तक पहुंचा दे तो दौड़ता रहा शेर पीछे से यहां तक कि उसे कब्र के करीब पहुंचा दिया और वो जो टहनी थी टहनी ये हमारी जिंदगी है ये सहारा है जब तक ये टहनी हाथ में है उस वक़्त तक आखिरत की पकड़ से हम बचे हुए हैं ये जिंदगी की टहनी जब टूट जाएगी मलकुल मौत आकर के रूह निकाल लेंगे बस उसके बाद आखिरत की पकड़ से हमें कोई नहीं बचा सकता और ये जो हमारा सहारा है ये जिंदगी का सहारा उसे एक सफेद चूहा और एक सियाह चूहा रात और दिन ये दोनों काट रहे हैं हर वक्त हर वक्त काट रहे हैं और दुनिया जो है दुनिया उसकी मिठास में हमें गफलत में ले रखा है कि मलकुल मौत हमारे पीछे पीछे है इन रिस्क लयत लुबुल आब कमा यतलुबुहू अजल अजल खर पीछे पीछे है पीछे गफलत में है उस मिठास की वो शेर हमें नजर नहीं आता ये हमें धकेल रहा है कब्र की तरह असदहा हमें नजर नहीं आता वो दिन और रात हमारी जिंदगी को काट रहे हैं मगर हमें इसका एहसास नहीं क्यों इसलिए कि वो मीठे ये वो शहद की मिठास में हम लोग महव हो चुके हैं अकबर अल्लाह अकबर तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों की रात और दिन जो है रात और दिन यही तो हमारी जिंदगी को काट रहे हैं और हम गफलत में पड़े हुए हम ये मुराकबा नहीं करते मुहासबा नहीं करते देखते नहीं कि हमारी जिंदगी के कितने लम्हात गुजर रहे हैं तो फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह आलही के पास एक दरवेश आया अल्लाह ताला ताहनू को उनकी कोई नेकी पसंद आ गई होगी हिदायत देना चाहते थे मकाम विलायत पर पहुंचाना चाहते थे हम भी अल्लाह ताला शाहू से दुआ करते हैं और दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह आपकी विलायत के लिए हमारी जिंदगी में आप कोई बहाना बना दीजिए कोई बहाना बना दीजिए जो आपको पसंद आ जाए और आप हमारे बारे में फैसला कर दे कि मैं मेरे बंदे को मेरा वली बनाना चाहता हूं आया वो दरवेश और दरवेश आया गरीब की शक्ल थी उसकी और वो छोटी छोटी बोतलों के अंदर जो जड़ी बूटियां रखी हुई थी उनको बहुत गौर से यूं देखने लगा जैसे आजकल मक्का मुकर्रमा मदीना मुनवरा में इस तरह की जो दुकानें होती हैं उनमें बड़ी बड़ी बोतलों के अंदर खुशबू होती है अलग अलग किस्म की अलग अलग परफ्यूम्स होते हैं तो इसी तरह शीशियां थी बोतलें थी जार्ज होंगी तो उनमें यूं करके बहुत गौर से देखने लगा देखता रहा यूं तो ख्वाजा फरीदुद्दीन आत्तारिरे ने देखा कि ये कोई गरीब आदमी आ गया है खरीदेगा कुछ नहीं मेरा वक्त बर्बाद करके जाएगा इसके गुस्से में कहा क्या देखता है ये क्या चाहिए तुझे क्या चाहिए तो वो दरवेश जो है वो यूं करके देखता ही रहा तो फिर गुस्से में कहा कि क्या देख रहा है तो दरवेश ने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि जब मलकुल मौत तेरी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे तो इतनी सारी शिष्यों में से निकालेंगे कैसे मैं क्या बात कह रहा था कि हमारी ये जो रूह है और हमारा दिल जो है वो इतनी चीजों में अटका हुआ है इतनी चीजों में अटके एक तो है ना कि अल्लाह में भी अटका हुआ है अल्लाह में बल्कि अल्लाह में अटका हुआ है बीवी में इतना नहीं बच्चों में इतना नहीं बल्कि दिल ऐसा है कि अगर जाना पड़े तो बीवी को भी छोड़ के जा सकते हैं बच्चों को भी जोड़ के जा सकते हैं फैक्ट्री को भी छोड़ के जा सकते हैं इन सबकी किस्मत इनके साथ मगर डर ये लग रहा है कि कबर में अल्लाह को मुंह दिखाने के लिए कुछ नहीं है वरना जाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार इसलिए कि अल्लाह को मिलना चाहता यह तो ठीक मगर हम जो मौत को नापसंद करते हैं वो ये कि हमारा दिल दुनिया में इतना अटका हुआ है कि दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते हमारा दिल ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि वमा इंद लू आबका कि अल्लाह के यहां जो चीज है वो दुनिया से बहुत बेहतर बीवी से मां से बाप से बच्चों से मेरी जो दुनियावी जिंदगी में जितनी भी कशिश की चीजें हैं लगाव की चीजें हैं उन सबसे आखिरत मेरे लिए बहुत बेहतर है मगर बस डर यह लगता है कि अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं ये अल्लाह बस तो तेरा विशाल नसीब फरमा दे तेरी मुलाकात नसीब फरमा दे मगर मखफिरत फरमा कर मखफिरत फरमा कर इश्को मोहब्बत में ऐसा होता है इसको मोहब्बत में हर वक्त ये खटका लगा रहता है मुझसे मेरा महबूब नाराज तो नहीं मेरा माशूक मुझसे नाराज तो नहीं अल्लाह कहीं मुझसे नाराज तो नहीं मगर हमारा दिल अटका हुआ है हर जगह पर तो कहा खाजा फरीदुद्दीन अत्तार से कि मैं ये देख रहा हूं कि इतनी सारी शीशियों में से तुम्हारी रूह कैसे निकालेगा फरिश्ता और ये क्यों कहा यह क्यों कहा इसलिए कहा कि ये जो शीशियां थी ये जो बोतलें थी ये जो जारस थी उसमें तो दौलत थी उनकी उसको बेच करके पैसे कमाते थे तो हरेक में दिल लगा हुआ था तो ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार रहमत ने गुस्से में कहा कि जैसे तेरी निकलेगी वैसे मेरी निकलेगी जाए यहां से तो उसने कहा मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी कैसे निकलेगी तो क्या बताओ वो लेट गए वो दरवेश जो आए थे अल्लाह वाले थे लेट गई अल्लाह ताला शाह ने इन्हें भेजा था इनकी हिदायत के लिए वो लेट गए और उनकी जो चादर थी वो चादर ओढ़ ली उन्होंने सर से पैर तक और उन्होंने कहा कि मेरी रूह तो इस तरह निकलेगी अशद मोहम्मद अब रसूलू कहा मेरी तो इस तरह निकलेगी यानी मैं अशद राशदू पढ़ूंगा इस तरह लेटा हुआ होगा और मेरी रू निकल जाएगी और ऐसा कह करके वो लेटा रहा वहां तो ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार रहमत आलही सामान के पास से बाहर निकले और बाहर निकलकर जोर से उसे लात मारी और लात मार करके कहा कि बस मैंने देख लिया कि तेरी रूह कैसी निकलेगी जा अब यहां से रवाना हो जा मगर वो हरकत ही ना करे फिर उसे जरा धक्का दिया हरकत ही ना करे देखा तो इंतकाल कर चुका था तो ख्वाजा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह रहमत के दिल पर एक असर हुआ कि दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपनी मर्जी की मौत मर सकते हैं अपनी मर्जी की मौत कि मैं तो इस तरह मरूंगा और मर भी गया कलीमा पढ़कर अल्लाह के यहां चला गया मौत का इश्तियाक होना चाहिए यानी दो चीजें हैं ना अगर पकड़ का अंदेशा है तो एक तरफ पकड़ का अंदेशा मगर दूसरी तरफ यह भी तो है कि अल्लाह की मुलाकात होगी अल्लाह मुझे माफ कर देगा अल्लाह रहमत निछावर करेगा तो शौक भी तो होना चाहिए तो हमारे यहां अव्वल तो यह कि मौत का तजकेरा ही नहीं होता और अगर तजकेरा होता है तो हमारे जहनों में कौन सी बात आती और डरावनी बात डरावनी डरावनी बात आती हजरत मौलाना अबरारक साहिब इरशाद फरमाते हैं कि लोगों को मर मरने के नाम से वहशत होती है लोगों को मौत से वहशत होती है मरने से वहशत होती है मरने के नाम से अगर ये कहें कि फूना साहब मर गए तो सबको एक किस्म का खौफ बहुत बुरी जगह पर चली गई फूला साहिब मर गए फूना साहेब का इंतकाल हो गया तो डर लगता है कि बहुत अल्लाह मुझे बचाए इससे अल्लाह मुझे बचाए तो हजरत फरमाते हैं कि मरने का लफ्ज और मौत का लफ्ज हमारी रोजमर्रा की बातचीत से अब निकाल दो इससे कि मरने और मौत ये लफ्ज बहुत बदनाम हो गए इन दोनों लफ्जों को सुनकर लोगों को बख्शत होती है तो हजरत फरमाती थी कि अब ऐसा कहना शुरू करो कि फुना साहिब अपने असली वतन चले गए ताकि लोगों को मरने का शौक पैदा हो ये मत कहो कि फूना साहिब मर गए फूना साहिब इंतकाल गए ये कहो कि फोना साहिब अपने असली वतन चले गए और कब्रस्तान के लिए ऐसा कहो कि कब्रस्तान असली वतन का स्टेशन है कब्रस्तान असली वतन का स्टेशन है और गाड़ी जो जनाजे को उठाकर ले जाती है ये असली वतन के स्टेशन तक पहुंचाने वाली कार और टैक्सी है ताकि लोगों को जरा असली वतन असली वतन सुनकर के दिल में मोहब्बत पैदा हो कि हमारा तो असली वतन ही वो है और असली वतन से क्या मुरा जन्नत और हजरत मौलाना अबर हक साब रतल है फरमाते हैं कि मैंने घर में तरबीयत की है तो मेरा छोटा नवासा है जब मैं कई रोज कब्रस्तान नहीं जाता तो वो छोटे नवासी को भी ले जाते होंगे तो ये आकर मुझसे तकाजा करता है कि आप जन्नत के स्टेशन कब चलेंगे कितने वो तकाजा करता है वो बच्चा कि वो जन्नत का स्टेशन वहां हम नहीं जा रहे हैं कब्रस्तान आजकल कब्रस्तान के लफ्ज को सुनकर लोगों पर भशत तारी हो जाती बल्कि अगर कोई तनहा हो तनहा अपने घर में और मौत का और कब्र का ख्याल आ जाए तो वो ख्याल को निकालने की कोशिश करता है उसे स्पूकी फीलिंग होती है और या तो वो अपने आप को किसी नाजायज लज्जत में मशगूल कर देगा इसको भूलने के लिए या घर से बाहर निकल जाएगा दोस्तों की महफिलों में बैठ जाएगा रात को अगर अंधेरों में बिस्तर में घुसे हुए होने की हालत में कब्र का तस्वूर आ जाए मौत का तस्वर आ जाए तो घबरा जाएगा तो मौत घबराने की चीज है और घबरा याद करो बार बार और घबरा करके बद अमलियों से तोबा करो बद अमलियों से बचो और उसके साथ साथ उसका जो पॉजिटिव पहलू है उसे भी तो ज़हन में रखो पॉजिटिव पहलू कि मैं तो मोमिन हूं मैं डरता क्यों हूं डरता इसलिए हूं कि मैंने मेरे अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल अपने आप को नहीं बनाया तो बहुत आसान है इस डर को दूर करना आसान है कि मैं अपने आप को इस काबिल बना दूं कि अल्लाह को मुंह दिखा सकूं हजरत मौलाना शाह मुजद्दीद साहिब शाह याकूब साहिब मुजद्दीदी रहमत अली भोपाल के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं उन्हें एक मरतबा सीने में तकलीफ हुई सीने में तकलीफ हुई डॉक्टरों ने मुआयना किया तो जब सीने में तकलीफ होती है तो खुद मरीज को भी यह ख्याल आता है कि हार्ट अटैक है और हार्ट अटैक का मतलब मौत और डॉक्टर को भी यही ख्याल आता है सिम्टम्स वगैरह देख लेता है तो और दूसरों को भी तो ईसीजी करते हैं तो हजरत का मुआयना हुआ चेक किया ईसीजी हुआ होगा तो डॉक्टर को जब इतमान होगा तो डॉक्टर ने कहा कि हजरत घबराने की कोई बात नहीं है देख लिया आपने जहां मौत की बात आ जाती है घबराने की बात घबराने की कोई बात नहीं है तो हजरत तो बहुत बड़े बुजुर्ग थे हजरत ने फरमाया कि डॉक्टर साहिब मौत भी कोई घबराने की चीज है मौत भी कोई घबराने की चीज है और हजरत ने फिर अरबी में एक जुमला ही इर्शात फरमाया अल मौत तो जसरुन मौत तो एक पुल है यूसेल उल हबीब एल हबीब जो आशिक को मासुक से मिला देता है इसीलिए मौत को मोमिन का तोहफा कहा गया कि मौत मोमिन का तोहफा है क्यों इसलिए कि इसके बगैर मोमिन अल्लाह की मुलाकात नहीं कर सकता मन अहब अलिका अल्लाह अहब अल्लाह लिका अहू एन मौत के वक्त जो बुरा होता है उसकी कैफियत यह होती है कि वह अल्लाह की मुलाकात को ना पसंद करता है कैंसर हो गया अब मरना नहीं चाहता आखिरी वक्त है हार्ट अटैक हो गया होश में अभी है मरना नहीं चाहता क्यों इसीलिए मरना नहीं चाहता कि अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है अल्लाह से मोहब्बत नहीं है देखो अगर किसी बच्चे को अपने बाप से मोहब्बत होती है तो वो गलती करके अपने बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा तो मोहब्बत नहीं होगी तो वो घर छोड़कर भाग जाएगा और मोहब्बत होगी तो वो डांट डपट मार पीट सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार होगा मगर बाप को छोड़ेगा नहीं वो सीधा घर आएगा सीधा घर आएगा मोहब्बत होगी तो तो गुनहगार के दिल में भी अगर अल्लाह की सच्ची मोहब्बत होगी तो मौत के वक्त अजाब से तो डरेगा अल्लाह की मुलाकात को नापसंद नहीं करेगा और अल्लाह का ताल्लुक नहीं होगा तो मौत के वक्त अल्लाह की मुलाकात को नापसंद करेगा कि मैं मिलना नहीं चाहता इसलिए क्या वो मुझे सवाल पूछेंगे तो हदीस में आता है कि मौत के वक्त जब किसी के दिल का अंदर का फीलिंग ये हो अंदर का जज्बा ये हो कि मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूं इसलिए कि मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं या मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूं इसलिए कि गुनहगार तो हूं मगर वो गफूर रहीम है या ये कि मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूं कोई बात नहीं थोड़ी बहुत मारपीट इधर उधर हो जाएगी उनका हक है वो वो मेरे मुरबी है उनको हग है मगर मुलाकात तो मेरी हो जाएगी तो अल्लाह के मुलाकात को जो पसंद करता है कि अहब अल्लाहू अल्लाह भी उस वक्त उसकी मुलाकात के लिए मुश्ताक होते हैं कि मेरे बंदा कब आ जाए यहाँ और मौत के वक्त मन कर ही हलीका अल्लाह अल्लाह की मुलाकात को जो ना पसंद करता है कि नहीं मैं मिलना नहीं चाहता मैं मिलना नहीं चाहता करी अल्लाहू ले अल्लाह भी उसे मिलने को ना पसंद करते तो हमारे लिए तो मौत एक तोहफा है मेरे भाई तोहफा तोहफा और फिर शाह रही ने हजरत मुजद्दीदी साहब ने आगे फरमाया कि डॉक्टर साहब घबराने की चीज तो अल्लाह की नाफरमानी है मौत घबराने की चीज नहीं इसलिए कि मौत तो अल्लाह से मिलाने वाली चीज है और ना अल्लाह से काटने वाली चीज है तो मेरे भाई मौत तो हमारे लिए बहुत ऊंची चीज हजरत मौलाना हक साहिब रहा ही की एक दूसरी बात कि मौत हमारे लिए कितनी मोहतम विशाल देखो ये तो सोचने की बात है हम चूंकि दुनियादार है इसलिए हमें मौत से कराहियत होती है और वो आखिरत के लोग थे रिजारुल आखिरत थे हर वक्त अल्लाह ताला ताहनु की मुलाकात के लिए बेताब थे हजरत शेख उहादी साहिब रहमत आल का आखिरी वक्त है आखिरी वक्त और जुबान पर क्या है या करीम या करीम या करीम या करीम बोलते बोलते अल्लाह की मुलाकात उन्होंने कर ली मेरे हजी साहिब रहा का आखिरी वक्त है और आखिरी वक्त है उनके खादिम डॉक्टर साबिर साहिब रिहम्ला उन्होंने फरमाया कि हजरत अलैह, ऐसा फरमा रहे थे मक्का मदीना मक्का मदीना मक्का मदीना बहुत ताल्लुक था हरमेन शरीफ से साल में कम से कम दो मरतबा तो जरूर तशीफ ले जाते थे कभी तीन मरतबा कभी चार मरतबा कहीं का सफर हो तो कोशिश पूरी करते थे कि ऐसी टिकट मिल जाएगा वहां से हमारा गुजर हो जाए बहुत मोहब्बत थी हरमेन शरीफ से तो डॉक्टर साबिर साहिब रहमत मुझसे फरमा रहे थे कि हजरत का जब आखिरी वक्त था वो खुद डॉक्टर थे समझ रहे थे कि आखिरी वक्त है आंखें पथरा गई और जुबान पर यही था कि मक्का मदीना मक्का मदीना तो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हजरत के सामने इस वक्त मक्का और मदीना है तो जाने वाले लोग खुशी खुशी जाते हैं हजरत बिलाल रवि अल्लाह तला क्या फरमाते हैं वाह ताराबा वाह तार हाई खुशी हाई खुशी हाई खुशी बीवी ने कहा कि आप इतने खुश हो रहे हैं कहा कि हां गल अहिबत मोहम्मद मोहम्मद सलम को दुनिया से गए हुए अरसा गुजर गया उनसे मुलाकात का एक ही रास्ता है मौत हां मैं खुश हो रहा हूं इसीलिए मौत ही तो रुकावट थी यही तो दीवार थी मेरे और उनके दरमियान मेरे और मेरे साथी साहबा के दरमियान ये मौत की दीवार हट जाएगी मैं सीधा उनके पास चला जाऊंगा गदन नल कल अहिबत आईंदा कल हम महबूबों से मिलेंगे मोहम्मद वहीज बहू मोहम्मद सल्लाह और उनकी उनकी जमात से मिलेंगे तो हजरत फरमाते हैं कि आखिरत की मंजिल मोहतम बिशान है ये तो मोमिन के लिए बहुत शान वाली मंजिल है कि एक गरीब आदमी गौर से देखो क्या हजरत ने नक्शा खींचा है अल्लाह अकबर ऐसा जहन में भी कभी नहीं आया आखिरत की मंजिल मोहतम बिशान है कि गरीब आदमी गरीब आदमी कौन गरीब आदमी जिसे दुनिया में कोई पूछता नहीं एक गरीब आदमी मरने के बाद बड़े बड़े सलातीन बड़े बड़े मशाइख और बड़े बड़े ओलमा के कंधों पर सफर करता है इसे कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए तैयार नहीं अपने सोफे पे बिठाने के लिए तैयार नहीं अपने पड़ोस में बिठाने के लिए तैयार नहीं हकीर समझा जाता था मगर जैसे ही इंतकाल हो जाता है एक मोमिन को अल्लाह कितनी ऊंची शान दुनिया में देते हैं कि अब उस शहर में रहने वाले सब बड़े बड़े उसको कंधे भी उठाते हैं सलातीन बड़े बड़े मशाइख ओलमा के कंधों पर यह कब्रस्तान तक जाता है जो दुनिया में मुक्तदी था अब इमाम के कंधे पे जा रहा है अजीम शान ये सफर का इकराम जनाजे के आगे मत चलो आजकल सुन्नत तरीके के मुताबिक हम जनाजे को उठाते नहीं है मगर शरीयत का हुक्म यह है कि जनाजे के आगे मत चलो क्यों भाई इसलिए कि मोहत्तम बिशान सफर है कि मोमिन जा रहा है अल्लाह को मिलने के लिए शौक होना चाहिए शौक आगे मत चलो और जब तक ये जनाजा कंधों पर से उतार कर जमीन पर कब्र के पास रखा ना जाए उस वक्त तक बैठो मत एहतराम में खड़े रहो सब बादशाहों की सवारी अल्लाह अकबर बादशाहों की सवारी कार होती है और मरने के बाद अशरफुल अशरफुलमखलूकत के कंधों पे यह जा रहा है बादशाह की सवारी तो कार है और इसकी सवारी अशरफुल अशरफुलमखलूकत के कंधे खादिम का जनाजा मखदूम उठा के जा रहा है।, है तो खादिम मगर मरने के बाद अभी अल्लाह का हो गया तो इतना एजाज इसका हो रहा है कि मखदूम जिसकी पूरी जिंदगी वो खिदमत करके जा रहा था वो उठाता है और वो मखदूम भी एक मरतबा कंधा देकर पीछे हट जावे ऐसा नहीं कोशिश करता है कि बार बार मैं भी कंधा दू बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते हैं लाइन में बड़े बड़े ताजिर लोग मालदार लोग जो उसे अपने पड़ोस में नहीं बिठाते थे कि भाई हम भी कंधा दें उसे उसे अजर सवाब का काम समझते हैं तो हजरत फरमाते हैं कि जिस सफर की इब्तदा की यह शान है तो उसके आगे के और मनाजिल की क्या शान होगी दुनिया में अल्लाह ने इतनी शान अता फरमाई कि अशरफुल मखलूकत के, के कंधों पर यह जा रहा है तो कब्र में क्या शान होगी उसकी और क्यामत के दिन क्या शान होगी अल्लाह के दरबार में क्या शान होगी पुलशराब पर क्या शान होगी और जन्नत में क्या शान होगी तो मौत मेरे भाइयों इसके दो पहलू हैं एक घबराने का पहलू भी है और एक शौक का पहलू भी है शौक पैदा करो जो जो मरने का अपने दिल में शौक पैदा करता है अल्लाह की मुलाकात का शौक पैदा करता है जन्नत का शौक पैदा करता है वो अपने आपसे कहेगा भी तो सही कि शौक तो बड़े बड़े हैं अरमान तो बहुत ऊंचे ऊंचे मगर आमाल भी तो देख इसके लिए कुछ तैयारी भी तो कर तैयारी की तोहफी नहीं देगी आज हमारे शहर में एक बड़े बुजुर्ग का इंतकाल हुआ और हमारे लिए वो बाप की जगह पर थे बहुत मुशफिक थे इदारे को भी बहुत चाहने वाले थे और मुझसे भी बे इंतहा थी उन्हें उनका इंतकाल हो गया उनका इंतकाल हो गया गैब की बातें अल्लाह जानते हैं किसी के बारे में कोई इंसान ये फैसला नहीं कर सकता कि जन्नती कौन है जहन्नमी कौन है मोमिन कौन है काफिर कौन है मगर हमें मुकल्लफ बनाया गया है जाहिर को देखकर फैसला कर देगा इसीलिए एक शख्स जब ईमान की जिंदगी गुजारता है और मरता है तो यह हो सकता है कि मौत के वक्त फितने में पड़कर कुफर की हालत में जा रहा हो मगर हमारे सामने जब तक उसका कुफर न खुले उस वक्त तक हमें उसकी नमाज जनाजा पढ़नी है उसे कफन पहनाना है मुमकिन है कि कयामत के दिन वो शख्स कुफर की हालत में उठेगा और इसी तरह एक शख्स जो कुफर की जिंदगी गुजारता है और जुबान से कुफर से तोबा नहीं करता उसी हालत में मरता है मुमकिन है एन एन मौत के वक्त अखीर में जब बेहोशी का आलम उस पर तारी होता है अल्लाह ताला अपनी तरफ से ऐसे इस्बाब पैदा फरमाए उसकी किसी नेकी की वजह से कि वो मुसलमान होकर जावे मगर हम जाहिर पर फैसला करते हैं और उसे उसकी ना नमाज जनाजा पढ़ते हैं और न उसे मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन करते हैं मगर कयाम कितने वह मुसलमान होकर के उठेगा एक गैर मुस्लिम का इंतकाल हो गया इंतकाल हो गया तो किसी ने खाब में देखा कि जन्नत में है पूछा कि भाई तू जन्नत में तू तो, तो कुफर की हालत में मरा था दफन भी कुफर के तरीके पर हुआ था और गैर मुस्लिमों के कब्रस्तान में हुआ था तू जन्नत में क्या कर रहा है तो उसने कहा कि मैं मुसलमानों की बस्ती के बीचों बीच रहता था रमजान मुबारक का महीना था मेरा बेटा दोपहर बारह बजे बाहर घर के आंगन में खड़े होकर के रोटी खा रहा था तो मेरे दिल में तकलीफ हुई कि मुसलमानों का मुबारक महीना है और सब रोजेदार हैं और मेरा बेटा मुसलमानों के इस मुबारक महीने की हरमत को पामाल कर रहा है बस ये दिल में एक अच्छा जज्बा पैदा हुआ एक एहतराम का जज्बा रमजान मुबारक के महीने का मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़कर के उसे एक तमाचा रसीद किया और मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती मुसलमानों का रमजान मुबारक का महीना है उस मुबारक महीने की हरमत को पामाल कर रहा है अल्लाह को मेरी की पसंद आ गई मेरे भाई की नजर से देखे लोगों के को टटोलते दे रहते इसमें ये ऐब है इसमें यह है इसमें यह है अल्लाह को कौन सी चीज पसंद आ जाए कुछ कह नहीं सकते और इसी तरह अल्लाह ते नाराज हो जाए कुछ नहीं कह सकते जब तक कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में हमें मोमिन होने की हालत में न उठाया जाए और हमें जन्नत में दाखिल न किया जाए उस वक्त तक मेरे भाइयों हम किसी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते तो कहा गया एन जब मौत के मुंह में चला गया अल्लाह ताला नहों ने एक फरिश्ते को भेजा उसने मुझे इस्लाम की दावत दी और रूह के निकलने से पहले मैं मुसलमान होकर दुनिया से गया किस हाल में कौन जाता है अल्लाह ही बेहतर जानते हैं मगर जो कुछ हमें नजर आया जो कुछ हमें नजर आया और जो कुछ हमने देखा हजरत मौलाना अहमद अली की जिंदगी के घोषों में से तो हमें अल्लाह ताला न से यही उम्मीद है और यही हुसन जन है कि वो रिजाल आखिरत में से थे रिजाल आखिरत में से थे जब तक उनसे हो सका हमने उनको देखा जब तक उनसे हो सका हमने उनको देखा कि अहतमाम से नमाज बाज के लिए मस्जिद में आते रहे दर्द के बावजूद तकलीफों के बावजूद जब तक वो पैदल चलकर तनहा आ सके वो नमाज बाजमात का बिल्कुल अहतमाम करते रहे और जब वो ना आ सके ना आ सके और काफी तकलीफों के शिकार हो गए और फिकही फिकबार से मुफ्तियों के फतवे के एतबार से उनके लिए ये गुंजाइश हो गई कि अब ये बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं कुर्सी में जमीन पर मगर उसके बावजूद भी मैंने हजरत को कई सालों तक देखा कई साल होते और मैंने खुद कई मरतबा हजरत से कहा कहते तो आप प्लीज अहमद उठाते हैं फर्ज आप खड़े होकर पढ़ लिया कीजिए आपके लिए तो तनहा उठना मुश्किल होता है और आप सारी नमाजें पढ़ते हैं सुन्नते हैं नवाफिल और वो भी खड़े होकर आप बैठ के पढ़ लिया कीजिए मगर नहीं जब तक हजरत से हो सका अजीमत पर अमल किया अजीमत पर और जब खुद आने के काबिल नहीं रहे तो तरसते थे और तड़पते थे आंखों में आंसू आ जाते थे कि मैं माजूर हो गया और मुझे मस्जिद में ले जाने वाला कोई नहीं जिसकी वजह से मैं सारी नमाजें मस्जिद में पढ़ नहीं सकता आंखों से माजूर हो गए यानी माजूरी का मतलब यह कि कुरान मजीद की तिलावत करने से कासिर हो गए दीनी किताबों को पढ़ने से कासिर हो गए इतना शिकवा उसका इतना शिकवा उसका इतना शिकवा कि मैं किताबें नहीं पढ़ सकता मैं कुरान नहीं पढ़ सकता तो उसके लिए फिर उनका यह शौक होता था कि किसी को मुक्र करो कि बैठ करके मुझे कुरान सुनाया करे कैसेटें मंगवाई उन्होंने पूरे कुरान की कोई मिलता नहीं था तो कैसेट के ऊपर कुरान सुनते रहते थे ये आखिरत में यहां आप देखते थे तसीब लाते थे और बैठते थे और छोटे बनकर रहते थे ऐसा नहीं कि उनको कोई इम्तियाजी शान दी जाए तो मैं जाऊं ये ले आखिरत में से तोजु इंतहाई दर्जे की तोजु कभी भी मैंने उनको कभी भी मे मेरी सैकड़ों मुलाकातें हुई हजरत के साथ कभी भी मैंने हजरत चाहे कितने ही मरीज हो कितने ही ता कितना ही ताब हो मैंने कभी यह महसूस नहीं किया कि हजरत मस्जिद के किसी कोने में इस इंतजार में है कि सलीम मेरे पास आकर के मुझसे मुसाफा करें और मैं चला जाऊं नहीं कभी नहीं कभी नहीं हमेशा हजरत की ये कोशिश रहती थी कि खुद अपनी जगह से उठ करके आते थे और आकर के खुद मैं मेरी नज़र फिर पड़ जाती थी तो मैं कोशिश करता था कि आगे बढ़ जाऊं मगर हजरत ने कभी भी ये तो नहीं की कि, कि किसी को मैं भेज दूं कि कोई उनको उनको मुतवजह करे और यह सिर्फ मेरे साथ हाल नहीं था उनका छोटा बड़ा कोई भी आलिम लस्टर में आता था हजरत को पता चलता था कि फुना मस्जिद में उनका प्रोग्राम है तो हमारे वालिद साहिब रहमतुल्लाह आल की तरह हजरत पूरी कोशिश करते थे कि प्रोग्राम में जाए छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो उम्र में तो हर शख्स उनसे छोटा ही था इससे कि हजरत की उम्र नब्बे से ऊपर और सौ के करीब थी और फिर हजरत मौलाना कासिम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द के शागिर्द हजरत मौलाना रहमान साहिब अमरोहवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मौलाना कासम रहमतुल्लाह रहमत से बुखारी शरीफ पढ़ी और इन्होंने उनसे पढ़ी और शायद शायद इस नस्बत का आखिर ही आखिरी आदमी था आखिरी चिराग था जो जो गुज्ता कल बुझ गया मगर उसके बावजूद मैंने देखा मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब दामद बरकात हम मुफ्ती रफी उस्मानी साहिब दामद बरकात हम मौलाना अरशद मदनी साहिब दामद बरकातु हम इनकी जैसे ही इन पर नजर पड़ती थी तो वो कहते थे कि भाई पहले इनको मिलने दो मगर उसके बावजूद हजरत ने कभी यह नहीं सोचा कि मैं यहां बैठा रहूं और मेरे लोग मुलाकात करने के लिए आए नहीं और अदब 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 तब आता है जब दिल के अंदर किसी की अजमत हो इल्म की अजमत हो दीनदारी की अजमत हो प्रोग्रामों में दो दो तीन तीन चार चार घंटे आप लोग देखते थे इंग्लिश का प्रोग्राम हो फिर भी आकर के बैठ जाए तीन तीन चार चार घंटे बैठे हुए थे और मैंने देखा कि सख्त माजूरी की हालत में अभी आखिरी जब साहिब फिराज हो गए और उनके लिए बिस्तर में हरकत करना मुश्किल हो गया उस वक्त भी मैंने पहले तो जब वो चलते फिरते थे और चलने फिरने के काबिल होते थे उस वक्त ऐसा कभी नहीं होता था मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि मैं हजरत के मुकाबले में बहुत छोटा बहुत छोटा और अल्लाह ताला हजरत के साथ जो भी गुस्ताखी का मामला हुआ हो और हजरत की जो भी नाकदरी हुई जाने के बाद ही एहसास होता है कि जैसी कदर करनी चाहिए नहीं हो सकी अल्लाह ताला तुआ फरमाए मगर मैं इतना छोटा हजरत से मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम हजरत को मिलने के लिए गए हों या हजरत यहां आकर के मेरे इंतजार में किसी कमरे में बैठे हुए हों और हम दाखिल और हजरत खड़े ना हो गए हों और फिर जब माजूरी हजरत पर आई माजूरी उस वक्त भी किसी तरह सहारे से उठने की कोशिश करते थे जब माजूरी आए और उठ नहीं पाते थे उस वक्त भी हरकत जरूर करते थे जिसम में और इस वक्त जब के बिल्कुल साहिब उस वक्त भी जब जाते थे तो उनकी आंखों से उनके चेहरे से ऐसा लगता था कि वो उठना चाहते हैं कभी भी सख्त से सख्त बीमारी में ऐसा नहीं हुआ कि नहीं अब मैं तो पड़ा रहा माजूर हूं किसी को भी देखते थे न्यूं, न्यूं हरकत करते मेहमान नवाजी जो कि सोलह का और पैगंबरों का शेवा होता है उनके घर जाते थे उनके घर सख्त बीमारी की हालत में पहले तो हजरत दावत भी खिलाया करते थे सेहत तंदुरुस्ती होती थी जब मिलने के लिए जाते थे तो तकल्लु बहुत फरमाते थे पर जब बीमार हो गए तो हम भी मना करते थे मगर सख्त से सख्त बीमारी होश भी ठिकाने नहीं मगर जरूर मोलाना आरिफ साहब की तरफ या हजरत के वहां मुत में से कोई भी हो बेटा हो नवासा हो तो देख करके हजरत फरमाते थे कि कुछ इनके लिए लाओ जमजम लाओ ड्रिंक लाओ चाय लाओ खाने का पूछते थे मेहमान नवाजी तवाजु दर्जे की। कभी उन्होंने अपनी एक इम्तियाजी पोजीशन नहीं बनाई ये हदीस की बरकत से हकों ने हजरत नानो रहा की निसबत की बरकत से जो उन्हें फरमाए अपनी जगह पर मगर रिजाले आखिरत में से थे सखावत बहुत ज्यादा थी सखावत सखावत इदारे के साथ भी बहुत अच्छा मामला फरमाते रहते थे और जहां कहीं जब पहले तो बहुत मेरे पास आकर बैठते थे मेरे बुखारी के दर्श में भी घंटों बैठते थे तसीब लाते थे तो उस वक्त जो है ज़रा मेरी बातों से कोई ऐसी तरगीबी बात किसी के बारे में सुन लेते थे तो फौरन तना में मुझे कहते थे कि वो जक़ात के मुस्तक है या नहीं या नहीं जो भी होता था फिर हजरत मुझे पहुंचा देते थे कि ये फना साहिब की आप बात कर रहे थे फुना जगह की आप बात कर रहे थे उसके लिए इतनी लिल्ला रकम है इतनी जक़त की रकम है तो ये ये चीजें जो है ये ये चीजें कि आदमी में नेकी आ जाए नेकी जब नेकी आ जाती है तो वो मरने से डरता नहीं है फिर हक तारशान हक तारशान हो कुछ न होने के बावजूद भी यानी दुनियावी एतबार से कुछ न होने के बावजूद भी लोगों के दिलों में उस शख्स को महबूब बना देते हैं महबूब बना देते हैं देखो वहां फारिग हुए डाभेल और डाभेल फारिग होकर डाभेल तदरीस में लग गई और फिर रोजी की तलाश में अफ्रीका पहुंच गए मलावी पहुंच गए मलावी में कोई दारूम तो था नहीं उस दौर में तो कुछ शाम का मक्तब वक्तब पढ़ाया होगा कुछ दुकान वकान चलाई होगी ये सिलसिला मुनकते हो गया मगर अल्लाह तला शाह जब किसी की नेकी किसी की तड़प असात की दुआओं को को जब कबूल फरमा लेते हैं तो अल्लाह ताली शाह ने यह ऊंची नस्बत अता फरमा दी कि इनकी जो सनत थी हदीस की उतनी ऊंची हमारे हल्के में किसी की सनत नहीं थी तो लोग कशा कशा आते थे और अजम अरब सब आए अरबी लोग भी आए और हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब दामद बरक़ात हम मौना अंजर शाह साहिब रहा अली ऐसी शख्सियतों ने हजरत से शेख मोहम्मद अवामा जो मदीना मुनवर में बहुत बड़े आलिम हैं इस वक्त हनफी फिका के शेख अब्दुल फत्ता अबू गुद्दा रही के शागिर और इस वक्त के बहुत बड़े महक्क हैं इन लोगों ने हजरत से इजाज़त हदीस ली और सैकड़ों की तादाद में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इजाजत हदीस ली मगर उसके बावजूद इम्तियाज़ शान कुछ नहीं वही तो वही तो इसका अस दुनिया अस्बाब दुनिया के दर्जे में मैं सबब बना मैं सबब बना एक मजलिस में गुफ्तगु शुरू हुई पूरा मुझे मुस्तहजर तो नहीं है तो उसमें पता चला कि ये हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमत है लेकिन शागिद के शागिर्द, शागिर्द हैं तो अल्लाह ने मुझे तोफीक दी मुझे इस किस्म की चीजों की हिर रहती है तो मैंने कहा कि हजरत फिर आप हमें इजाजत दे दीजिए उमूमन कोई हदीस पढ़ने पढ़ाने में नहीं होता तो कोई इजाजत नहीं तलब करता मैंने कहा हजरत हमें इजाजत दे दीजिए और भीमा बैठे हुए थे तो मैंने कहा हजरत इजाजत दे दीजिए तो ये एक तो एकदम मुतवाजे बहुत ज्यादा थे तो लर्जा इन पर तो तारी हो गया और कहा कि नहीं भाई मैं और हदीस की इजाज़त मैंने कहा नहीं हजरत आप हदीस की इजाज़त दे दीजिए मगर बिल्कुल तैयार नहीं हुए तो मेरी आप हजरत जानते हैं हजरत से बेतकल्लुफी थी हजरत चूंकि बहुत मोहब्बत मुझसे फरमाते थे तो मैं थोड़ा एडवाटेज भी लेता था उस मोहब्बत का मैंने कहा हजरत मैं हदीस पढ़ता हूँ आप उसे पहले सुन लीजिए तो मैंने हदीस पढ़ी हदीसी इन मना बना मैंने कहा अब आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि मैंने आप सब लोगों को इजाजत दे दी अब वो बोले ही नहीं मैंने कहा था इजाजत दे दी ना आपने तो कहा कि हाँ मैंने इजाजत दे दी यहां से ये सिलसिला शुरू हुआ एक सबक के दर्जे में तो हमेशा मुझे कहा करते थे अहमद भी गवाह है बार बार कहते थे कि मैंने कहा हजरत बहुत मशहूर हो गए आप तो अरब लोग भी बहुत आते हैं अब तो हदीस की इजाजत देने के लिए तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ सब तुम्हारी वजह से मैं किया ये तो सब तुम्हारी वजह से तो ये जो है तो खैरात फिक्र आखिरत सब्र शुक्र सब्र शुक्र सब्र शुक्र सब्र शुक्र कभी शिकवा नहीं जुबान पर कि यह दर्द हो रहा है ये हो रहा है वो कभी जुबान पर नहीं और शुक्र हमेशा मुस्कुरा कर रहते थे हमेशा हंसते रहते थे ये सब्र और शुक्र तफवीज अल्लाह जल्ला जला लो आम मनवा लोहु की बारगाहम तो मेरे भाइयों अर्ज़ करने का मंशा यह है कि आखिरत जो है वो तो हमारे लिए तोहफा है तो हजरत के जाने का गम वाकई बहुत हुआ हजरत के इंतकाल पर ही एहसास हुआ कि हजरत से हमें भी मोहब्बत कितनी थी मोहब्बत तो थी मगर इतनी थी वो एहसास नहीं हुआ और वाकई आज जो है वही मजलिस है वही मस्जिद भरी हुई है मगर हजरत दुनिया में नहीं है तो ऐसा लगता है कि मस्जिद खा है इससे कि उनकी शफ़तें उनकी मोहब्बतें बहुत ज्यादा थी मुझे पता मालूम है कि जब मैं मिशका शरीफ यहाँ पढ़ाना मैंने शुरू किया तो हजरत जो है वो मिश्का शरीफ वाले साल में बकर के लगभग मेरे पास आए वहाँ एक में मैं था मुझे मिलने के लिए आई जहर के बाद अचानक ही आ गए कोई छोड़ करके गालिबा मौलाना आरिफ साहब ही छोड़ करके चले गए कम एक खास बात तुम्हारे साथ करने के लिए आया हूँ मैंने कहा फरमाए तो फरमाने लगे कि बुखारी शरीफ तुम्ही को पढ़ाना है आइंदा साहब अब मैं बिल्कुल बुखारी शरीफ पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था यानी जहनी तौर पर मैं बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि मैं पढ़ाऊंगा और हम दूसरी कोशिशें कर रहे थे हमारे जहन में दूसरी बातें थी क्या तुम्हें पढ़ाना है बुखारी शरीफ मैं तो पढ़ाएंगे इन मगर आइंदा साल तो नहीं हम तो किसी और को ला रहे हैं तो हमारी ये नोक झोंक हजरत के साथ रहती थी मोहब्बत के अंदाज में उस वक्त हमारे पास वक्त भी ज्यादा रहता था तो बैठ करके काफी गुफ्तगु भी होती थी तो कहने नहीं तुम्ही को पढ़ाना है बस वहां से एक वो जैसे होता है ना ये, ये बुढ़ापे की वजह से ये जिद पकड़ ली है इन्होंने ऐसा महसूस होता था मगर आखीरी वक्त तक चाक को चौबंद रहे वो अरजुल उम्र और निकम्मी उम्र में नहीं पहुंचे हर चीज को समझ रहे थे तो बहुत लगे रहे पीछे एक दिन मुझसे कहने लगे एक दिन कि बुखारी तो तुम ही को पढ़ानी पड़ेगी मैंने कहा हजरत दूसरे शेख उल अदीज का इंतजाम होने जा रहा है बुखारी तो कोई और ही बढ़ाएगा के तुम ही को बढ़ाने मैंने लगा कोई और ही पढ़ाएगा तो कहने लगे कि मैं बुढा आदमी हूं पर रात को थोड़ी थोड़ी देर के बाद आँख खुल जाती है और जब आंख खुलती है उस वक़्त कोई दुआ करता है अल्लाह कबूल करता है मेरी तो जितनी मरतबार रात को आंख खुलती है मैं एक ही दुआ करता हूं कि रमजान के, के बाद बुखारी तू पढ़ाए तुझे ही पढ़ानी पड़ेगी फिर आए एक दिन और गहने बहुत खुश बहुत खुश उनकी जो बशासत के साथ आए एक बात करने के लिए आया हूं तनहाई में फिर मैंने कहा दी हजरत फरमाए भाई नक्शा सामने आ जाता है कि नहीं हजरत का मैंने कहा फरमाई हजरत कि रात को तो खाब देखा क्या देखा मैंने कहा हजरत तो कहने कहा तू बुखारी शरीफ पढ़ा रहा है और मैं सामने बैठा हुआ तो मैंने कहा हजरत इसमें मेरी बुखारी शरीफ की बशारत नहीं है आपकी लंबी उम्र की बशारत है एक शेखुल हदीस आएंगे आइंदा साल वो बुखारी शरीफ पढ़ाते रहेंगे उनका इंतकाल होगा उसके बाद मैं पढ़ाने बैठूंगा उसमें भी आप होंगे उस वक्त बैठे हुए होंगे तुम ही को पढ़ाने है रमजान की बात बहरहाल हमने इंडिया से एक महदिस को लाने की कोशिश की जिसमें नाकामी हुई 25 पच्चीस को कोई चारा नहीं रहा और भी बुजुर्गों का हुसन जन था कि तू ही पढ़ा तू ही पढ़ा तू ही पढ़ा मगर ये मैं हजरत की मोहब्बत बतला रहा हूं और फिर पच्चीस शवाल को मदरसे ने फैसला किया कि भाई अब तो बुखारी मेरे जिल में है हमने बैठ करके कि फैसला किया और फिर यह तय हुआ कि भाई अब बुखारी शरीफ शुरू करनी है तो मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैं तो इस काबिल नहीं हूं कि बुखारी शरीफ पढ़ा सकूं और इसके लिए कोई अफ्ती तकरीब और जलसा शर्मिंदगी होती है मगर कम से कम तलबा अतः और मेरे पांच दस जो बहुत चाहने वाले लोग हैं उनको बुला लें ताकि उनकी तवज्जो और उनकी दुआओं की बरकत से मेरी ये गाड़ी चल सके तो उसमें हजरत को भी मदू किया हजरत को मदू किया और मैं जब दर्ज देने के लिए बैठा सबसे पहला दर्ज बुखारी शरीफ का हमारी स्पीनी लॉज वाली इमारत में डाइनिंग हॉल में आप में से बहुत सो को याद होगा तो उसमें हजरत बैठे हुए थे और मैं हजरत का चेहरा देखता रहा बहुत बशाशत के साथ जो खुशी हजरत के चेहरे पर थी मैं ऐसा हजरत खुश हो रही थी जैसा कि मेरा बेटा बुखारी पड़ा बैठा दर्श से फारिग हुआ और सब मुबारकबाद दे रहे थे हजरत की जब मुलाकात की बारी आई तो हजरत ने मुझसे फरमाया कि मैंने खाब में तुम्हें जहां बैठ करके सबक देते हुए देखा और मैं जहां बैठा था खाब में वहीं बैठ करके उसी तरह मैंने तुम्हारा दर्ज सुना तो कि अब मैं बहुत खुश हूं कि तुमने बुखारिश होगी और मोहब्बत मुझसे इतनी थी ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मेरे यहां सब मुहिबीन बैठे हुए हैं ताकि आपको पता चले कि हजरत उन लोगों में से है जिनकी दुआओं का हमारे काम में और हमारी तरक्की में बहुत बड़ा असर है ताकि आप हजरत हजरत को उसका बदला देने के लिए ई सवाब करें इसलिए मैं कह रहा हूं मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि हजरत बुढ़े मुझसे बड़ी बीमारी मगर इतना पता चलता था कि मुझे फ्लू हो गया है फ्लू जिद कर, कर के आते थे मेरे पास मैं मौलाना आरिफ साहब और वो अनवर भाई वगैरह की तरफ देखता था और जरा हल्के अंदाज में डांटता भी था कि भाई आप क्यों ले आए हजरत को इस हालत में देखिए तो जिद हजरत इतनी कर रहे हैं कि बस मुझे वहां ले जाओ तो खैर मेरे भाईयों ये कर रहा था कि ये रिजाले आखिरत में से थे तोजु अखलाक अदब सब्र श्रह फिक्र आखिरत और बिल्कुल भोले, जो चाला की बिल्कुल नहीं सीधे सादे तो हमें भी ऐसा बनने की कोशिश करनी चाहिए और हजरत के लिए भाई आप सब हजरा से मेरी मुद्दमाना दरखास्त हैं कि जितना ईसा सब आप कर सके करें और जो हमारे अकाबिर, मशाइ बुजुर्गान दीन जिंदा हैं मां बाप जिंदा हैं बड़े जिंदा हैं उनकी कदर कर लो ऐसा ना हो कि जिस तरह ये चले गए वैसे ही वो भी चले जाए और जिस तरह इनके जाने के बाद हमें हसरत हो रही है उनके जाने के बाद भी हसरत हो और असल बात जो है वो ये कि मौत को तोहफा समझो और तोहफा समझ कर कोशिश ये करो कि उसके लिए तैयारी हो और खुशी खुशी हम अल्लाह जल्ला जला लोहो आम मन वालो यहाँ जाएं अल्लाह ताह हम सबको अमल की तोफी अत फरमाए अल्लाह ताला तमाम मरहूमिन की मगफिरत फरमाए हजरत रहमतुल्लाह आल को हमारी तरफ से अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए उन्होंने जितनी शफ़तें फरमाई जितनी मोहब्बतें फरमाई जितनी दुआएं दी जो कुछ हमारे लिए हमारे इदारे के लिए उन्होंने किया इदारे को भी बहुत एहतमाम से चंदा दिया करते थे बहुत एहतमाम से तामीर में भी बहुत हजरत का था तो अल्लाह ताला उससे बेहतर एहसान की बारिश अल्लाह उन पर बरसाएं और उनके वजूद की वजह से जो बरकतें अल्लाह हमें देता रहा है अल्लाह ताला वो बरकतें जारी रखें और अल्लाह ताला हो उनकी रूह को हमारे कहने की वजह से हमारी दरख्वास की वजह से जो अगरचे हमारा अल्लाह पर कोई हक नहीं है अल्लाह हमारे कहने की वजह से हमारी दरख्वास की वजह से उनकी रूह पर रहमतों की इतनी बारिशें बरसा दी इतनी बारिशें बरसा दें कि हजरत की रूह भी हमसे खुश हो जाए और अल्लाह ताला जो अकाबिर मशाइख हमारे बड़े हमारे माँ बाप जिंदा हैं हमारे अस्ति अल्लाह ताला तक कदरदानी की तोहफी कथा फरमाए व आखिर दावाना रबी वो सल नबी महम्मद वाला سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر